मेरे ख्याल से आवाज आई शायद। हाँ जी हाँ, थोड़ी देर आ रही है। ठीक है, कुछ मेरे ख्याल से दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल, मैं इसे ठीक करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं गाइस अपना सेशन हम लोग। और हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको दो क्लास करनी है, एक क्लास जो अभी आप कर रहे हो और एक क्लास जो होती है हमारी 10:10 PM पे। ये हमारे पास जो लिस्ट है वो टॉप 10 की लिस्ट है, जिसमें कल कल्पक ने टॉप किया था। वर्षा नंबर 2 पे थी, अभी नंबर 3 पे, जुब्बी नंबर 4 पे, श्वेता नंबर 5 पे, एनजे, योगिनी, इंडियन, विश्वजीत, संप्रीति, ये टॉप 10 परफॉर्मर थे। ये क्लास हमारी कहाँ होती है दोस्तों? ये क्लास होती है हमारी अनअकैडमी पर, स्पेशल पे, फ्री क्लास है ये। इसकी टाइमिंग होती है डेली रात में 10:10 PM पे। ये क्लास करना बहुत जरूरी है आपके लिए। टॉपिक करेंट अफेयर्स MCQs यहाँ पर हम करते हैं दोस्तों। ठीक है, और डेट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आज 16 अगस्त है, तो ये क्लास हमारी कहां पर होगी? अन अकेडमी पर। ठीक है, स्पेशल पे ये क्लास जरूर करिए आप लोग। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो आज की हमारी पहली इन्फॉर्मेशन क्या है? तो आज की हमारी पहली इन्फॉर्मेशन है रैंकिंग, रिपोर्ट और इंडिसेस। ठीक है, हमेशा की तरह पहली इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती जा रही है डे बाई डे। मतलब रैंकिंग इंडेक्स की बात करें तो आज से पहले UPSC, RBI ग्रेड बी, इन सब लेवल एग्जाम में काफी क्वेश्चन डीप में बनते थे, लेकिन आजकल बैंक एग्जाम में काफी डीप में क्वेश्चन बनते हैं इस सेगमेंट से। ठीक है, देखिए तो हमारे पास कौन सी रिपोर्ट है? तो यहां पर हम बात करेंगे ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट निकाली है, क्या है? ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ मतलब यूथ की बात कर रहे हैं, वैश्विक रोजगार रुझान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यूथ के लिए, युवा के लिए क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए दोस्तों। ठीक, तो जो रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं नाम क्या है? ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022, और ये रिपोर्ट पब्लिश की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका कहां पे हेडक्वार्टर है? जेनेवा में है, भूलिएगा नहीं दोस्तों, जेनेवा में है। ठीक है, आइए बात करते हैं। आईलो ने क्या बोला? तो आयो ने बोला है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द यूथ एज 15-24 हैज रीच्ड 15.6% अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी आयो ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया कि मतलब जो यूथ हैं जिनकी एज 15 से लेकर 24 साल तक है, अगर उनकी हम बात करें तो इनके बीच में 15.6% अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब समझिए, मतलब अगर मान लीजिए हम लोग ऐसा करें कि पूरे दुनिया में ऐसे लोग जिनकी एज 15 से 24 साल है, आप में से बहुत लोग इसमें आते होंगे, अगर इनकी पॉपुलेशन को हम 100% माने फॉर एग्जाम्पल, तो इस 100% में से तो 15.6% लोग क्या है? अनएम्प्लॉयड। 15.6% अनएम्प्लॉयड लोग हैं। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन ये आपको दी जा रही है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग यूथ एज 15-24 हैज रीच 15.6% अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक, अब देखिए, इट इज 3 टाइम द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग एडल्ट, यानी वयस्कों, जैसे हम लोग जिसमें आते हैं है ना, तो वयस्कों में बेरोजगारी की दर की 3 गुना है। तो कहने का मतलब कि जो 15 से 24 साल के लोग हैं इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब जो एडल्ट है, आप मान चले, मान लीजिए 25 साल से लेकर 35 साल तक फॉर एग्जाम्पल मान चले, तो इनसे कंपेरिजन में 3 गुना ज्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के बीच में। ठीक है, और देखिए, तो एज पर रिपोर्ट द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यंग पॉपुलेशन हैज डिक्रीज। हाँ, लेकिन अच्छी खबर क्या है भाई? COVID-19 के बाद क्या है कि पूरे दुनिया में रिसेशन आया था, अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी। तो 2021 में करीब करीब दोस्तों 75 मिलियन जो लोग थे यूथ वो अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन 22 आते आते केवल 73 मिलियन रह गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटी है यूथ के बीच में। तो 2021 में यूथ की बात करें तो 75 मिलियन यूथ अनएम्प्लॉयड थे, और 2022 में 73 मिलियन यूथ अनएम्प्लॉयड। तो ये थोड़ी सी ठीक खबर आपके लिए है बस, और वो इन्फॉर्मेशन इसमें खास है नहीं, तो इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद इंडिया की बात होगी, हम बात करेंगे आपसे। अभी पहले आप देख लो, तो हमने क्या बात की आपसे? हमने ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड फॉर यूथ 2022 रिपोर्ट की बात की, रिलीज बाय द ILO। इसमें क्या बोला गया है कि 15.6% जो पॉपुलेशन है यूथ की, मतलब जो लोग 15 से लेकर 24 साल तक है वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक, फिर हमने क्या बात की कि भैया 2000 अगर 21 की बात करें
75 मिलियन यूथ अनएम्प्लॉयड था, और 2022 आते आते 73 मिलियन यूथ अनएम्प्लॉयड रहे, ठीक है, ये भी है। हाँ, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ये 3 गुना इनकी पॉपुलेशन, अगर हम एडल्ट की बात करें तो ये भी इंफॉर्मेशन है। तो एक इंफॉर्मेशन दुनिया के बारे में थी, अब एक इंफॉर्मेशन इंडिया के बारे में। इंडिया पर भी इसका इंपैक्ट पड़ा है, और आइए पड़ेगा, क्यों पड़ेगा वो देखिए। तो आईएलओ ने क्या बोला है, देखिए, इन इंडिया स्कूल्स वेयर क्लोज फॉर 18 मंथ आउट ऑफ 240 मिलियन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जस्ट 8% इन ग्रामीण भारत एंड 23% इन शहरी भारत हैड एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन। तो आईएलओ ने बोला कि इंडिया पर एजुकेशन का बड़ा बुरा इंपैक्ट पड़ा। इंडिया के स्कूल 18 मंथ बंद थे, करीब करीब इंडिया में 240 मिलियन बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने मिलकर ऑनलाइन क्लास शुरू की, लेकिन इस ऑनलाइन क्लास की रीच कितनी थी, 8% ग्रामीण भारत में और 23% शहरी एरिया में। तो इसका मतलब कि जो ऐसे बच्चे हैं जो 18 मंथ स्कूल गए ही नहीं, उनका क्या करियर होगा आगे, है ना। तो एक पॉइंट हमारे सामने है, मैं खुद जानता हूं। तो मेरा एक रिलेटिव है, मतलब वो क्लास 10th में था, तो वो पढ़ने में ठीक नहीं था, तो वो श्योर था कि वो फेल हो जाएगा। तो मुझे याद है वो सुबह सुबह मंदिर जाता था कि भगवान रिजल्ट ना आए, हम लोग ऐसे ही पास हो जाए, मतलब एग्जाम ना हो हमारा, अब वो ऐसे ही पास हो गया हाई स्कूल, है ना। तो कहने का मतलब क्या, ऐसे केसेस हैं। तो फिलहाल ये इंडिया के बारे में है। सॉरी सर, बट ये आपको कहां से अच्छा लग रहा है, -52% ऑफ इंडिया है। अंकित जी, पहली बात तो मुझे अच्छा लग नहीं रहा, तो आप अपने अपने चीजों को मुझे ब्लेम मत करिए, पहली बात। और बात अच्छे बुरे की है नहीं, इट्स डेटा, और मैं केवल एजुकेटर हूँ आपका। तो ना मैं पीएम हूँ, ना मैं राष्ट्रपति हूँ, और ना मैं कोई वो हूँ कि जो शिक्षा नीति बनाता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान रखना मेरी बातों का। तो मुझे अच्छा अच्छा नहीं लग रहा है, मैं हंस रहा हूँ, इसलिए इस बात पर हंस रहा हूँ मैं केवल, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन किया दोस्तों, याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अबाउट द आईएलओ, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1919, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, एंड इसके डीजी कौन है, गिल्बर्ट होंगबो। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डीजी कौन है, गिल्बर्ट होंगबो, इनका भी नया अपॉइंटमेंट है दोस्तों, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो पहली इंफॉर्मेशन जो हमने दिया आपको वो किसकी थी, अबाउट द आईएलओ। आईएलओ क्या बोला दोस्तों, हमने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखा दी है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि आपके एग्जाम में अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। आपके एग्जाम में डीप से डीप क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको पूरी पूरी लाइन करंट अफेयर्स की पढ़नी होती है। तो अब आप वन लाइन में पढ़ना बंद कर दीजिए, आपके एग्जाम बहुत पास में है, पता भी नहीं चलेगा आपको। जैसे ही आपके आरआरबी के, क्लर्क के और पीओ के प्री खत्म हो जाएंगे, तो आप कहां लगोगे, आईबीबीएस के लिए, और आप जीए नहीं पढ़ोगे। यानी इन दोनों एग्जाम देने में मेंस दोगे ना, अब मेंस के टाइम पर आप क्या पढ़ोगे, आप जीए मेंस पढ़ोगे या फिर आईबीएस पढ़ोगे आप। तो इसीलिए इस बात को समझिए, दूसरों को फॉलो मत करिए, अपने आप को फॉलो करिए, आपको टाइम मिलना नहीं है फिर। और ऐसा ना हो जाए कि जीए की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए, जिसमें लोगों ने अच्छे मार्क्स प्राप्त करके ही जीए में सिलेक्शन लेकर, मतलब जीए में अच्छे मार्क्स लेकर सिलेक्शन लिया है। मैं अपनी बात करूं, आई गॉट 38 मार्क्स आउट ऑफ 40, ठीक है। ये गलती थोड़ा सा मत कीजिएगा, थोड़ा स्ट्रेटजी बनाइए ठीक से, और ठीक से जीए को फॉलो करिए, वरना बहुत दिक्कत आगे एग्जाम में हो जाएगी आपको। पेपर वैसे नहीं आते कि आपने एक पीडीएफ उठाया, पढ़ लिया और एग्जाम दे दिया आपने, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब रीजन पॉइंट की बात करें यहाँ पर दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने भी क्या किया था, एक रिपोर्ट निकाली थी, और ये 17-20 के बीच की रिपोर्ट थी। इसमें क्या बोला गया था, द प्रपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयड पीपल वर्किंग पार्ट टाइम इन द 46-59 ईयर्स एज ग्रुप अक्रॉस ऑल इंडिया वे आर ग्रेटर देन 10%। ये मैंने आपको पढ़ाया है, व्हाइल द प्रपोर्शन वॉज ग्रेटर देन 15% इन द अबव 60 एज ग्रुप। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो अब देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की, न्यूज नंबर 2, जो क्या है, अपॉइंटमेंट और रिजाइन को लेकर हमारा। तो इसमें पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है दोस्तों, वो देखिएगा। देखिए, तो पीयूष गोयल अपॉइंटेड नेटग्रिड सीईओ बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक, पीयूष गोयल। तो यहाँ पे पीयूष गोयल वाले वो कॉमर्स मिनिस्टर नहीं है, ये पीयूष गोयल एक सेक्रेटरी है, ब्यूरोक्रेट हमारे देश के। तो पीयूष गोयल को अपॉइंट किया गया नेटग्रिड का सीईओ बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अच्छा, अब बोलेंगे सर सबको, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटग्रिड, ये है क्या दोस्तों, ये है क्या, ठीक है। तो नेटग्रिड क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, आप देखिए बहुत ध्यान से। तो नेटग्रिड दोस्तों क्या है, ये एक तरह का रियल टाइम आपका डेटा है, डिपॉजिटरी,
जैसे नहीं डीबीएमएस होता है पढ़ते कंप्यूटर में, एक तरह का डेटा है, आपका आधार कार्ड, आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन ड्राइविंग लाइसेंस, आपका मोबाइल कॉल डिटेल, आपका बैंक अकाउंट, आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट, आपका ट्रेन रिजर्वेशन, आपका पासपोर्ट डेटा, आपका इनकम टैक्स रिटर्न, ये 8 तरह की इंफॉर्मेशन आपकी अब किसके पास रहेगी, नेगेटिव के पास रहेगी। यानी अगर सरकार किसी भी इंसान के बारे में जानना चाहेगी तो बस वो एक बटन दबाएगी, आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट, आपका शेयर मार्केट निवेश, ट्रेन रिजर्वेशन, पासपोर्ट डेटा, ये सब कुछ सरकार के पास आ चुका है, इसे नेगेटिव बोल रहे। ठीक है, अ टूल टू लोकेट डेटा इन द रियल टाइम दोस्तों। और ये जो आपके डेटा है ये 11 तरह की एजेंसीज को दिए जाएंगे, मे बी आपको शायद दिखाई नहीं पड़ेगा बट पीडीएफ में साफ साफ है। तो आपका डेटा सीधे एक्सेस करेगी एनआईए, आईबी, रॉ, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल इंटेलिजेंस, मतलब 11 तरह की एजेंसीज में आपके डेटा शेयर किए जाएंगे। नेटग्रिड को बनाने 1200 करोड़ रुपए लगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो अभी नेटग्रिड का कैंपस बेंगलुरु में, इसका इनॉग्रेशन अमित शाह जी ने किया था, आपको याद होगा शायद। तो नेटग्रिड एक तरह का आपका पूरा डेटाबेस है सरकार के पास, आपकी 8 तरह की इंफॉर्मेशन, और जो डायरेक्टली एक्सेस की जाएगी 11 तरह की एजेंसीज के द्वारा। ठीक है, ये है नेटग्रिड, आइए बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो पीयूष गोयल को नेटग्रिड का सीईओ अपॉइंट किया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, पीयूष गोयल दोस्तों ये 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर है, नागालैंड कैडर से चुने गए थे, तो इन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू नेटग्रिड सीईओ बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो भारत सरकार ने नेटग्रिड के सीईओ के रूप में पीयूष गोयल को चुना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तो पीयूष गोयल इज करेंटली सर्विंग एज एन एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये गृह मंत्रालय में एक अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे अभी तक, एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो गोयल जी इसको रिप्लेस करेंगे, तो पीयूष गोयल जो है वो रिप्लेस करेंगे आशीष गुप्ता जी। यानी आशीष गुप्ता जी पहले क्या थे, सीईओ थे नेटग्रिड के, अब ये रिप्लेस हो रहे हैं, और आशीष गुप्ता जो है ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल बन रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। तो ये भी सुन लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बीएसएफ में एडिशनल डायरेक्टर डीजी कौन बना है, तो आशीष गुप्ता बने। तो आशीष गुप्ता जो कि सीईओ थे नेटग्रिड में, वो कहां चले गए, एडिशनल डीजी बीएसएफ में, और आशीष गुप्ता को रिप्लेस करके पीयूष गोयल जी को सीईओ बना गया नेटग्रिड का। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन दोस्तों आपके सामने, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज नेटग्रिड, ये है क्या। तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन 8 तरह की ये गवर्नमेंट के पास रहेगी, गवर्नमेंट नहीं नेटग्रिड के पास रहेगी, और नेटग्रिड का डेटा 11 तरह की एजेंसी जो है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटग्रिड, तो नेटग्रिड की बात करें दोस्तों, तो 2009 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। अब रिसेंटली में नेटग्रिड का बेंगलुरु कैंपस का इनॉग्रेशन हुआ है, मत भूलिएगा, अमित शाह जी ने किया था इसको, तो ये मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, इसमें इसमें बेसिकली ये सीडैक पुणे जो है, सीडैक पुणे से हेल्प ली गई थी, आईआईटी गुवाहाटी इसमें नॉलेज पार्टनर भी है, ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने अपने पेड बच्चे पढ़ाई भी है। ठीक है, आपको भी यहाँ पे दे दी मैंने इन्फॉर्मेशन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली अपॉइंटेड सीईओ का वो रिविजन पॉइंट है, अंशुल स्वामी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहज मल्होत्रा जियो सावन, कैम्बल विल्सन एयर इंडिया, एस एन सुब्रमण्यम लार्सन एंड टुब्रो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोपाल विट्टल ये रीअपॉइंट हुए अभी एयरटेल में, पीटर एल्बर्ट्स इंडिगो, बी गोविंद राजन रॉयल इनफील्ड, विनायक पाई टाटा प्रोजेक्ट, ठीक, सलील पारिक इन्फोसिस, गौरव सचदेवा जीएसडब्ल्यू वन प्लेटफॉर्म, बिली रेड्डी पेन इंटरेस्ट, आशीष रात अविवा लाइफ इंश्योरेंस, परितोष त्रिपाठी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये कुछ मैंने आपके लिए कुछ एक सर्कल बना दिया, ये सब जरूर से पढ़ना है आपको, पढ़ना तो सारे हैं बट जो सर्किल में है वो तो जरूर पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और भी हैं, वीपी नंद कुमार मन्नापुरम फाइनेंस, प्रतीक पोटा यूरेका फोर्ब्स, नकुल जैन पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड, ये मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अब बात करेंगे कुवैत और ईरान की। कुवैत और ईरान के बीच में काफी दुश्मनी बढ़ गई थी बीच में, कुवैत को बहुत सारे देशों ने बैन कर दिया था और कुवैत ने इसका पूरा आरोप ईरान पे लगाया था। एग्जैक्टली में कुवैत पे आरोप लगे थे, मतलब ये वो करते हैं टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, और एक बड़ा प्रूफ ईरान ने दिया था पानी यहां से। तो कुवैत और ईरान के बीच में थोड़ी दुश्मनी हो गई थी, लेकिन 6 सालों के बाद कुवैत ने अपना
6 सालों के बाद कुवैत ने अपना पहला एम्बेसडर जो है वो ईरान के लिए अपॉइंट कर दिया, और 6 ईयर्स। ठीक है, देखिए दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन। तो कुवैत हैज अपॉइंटेड एन एम्बेसडर टू ईरान, इट कम आफ्टर मोर देन 6 ईयर। तो कुवैत ने अपना राजदूत ईरान के लिए अपॉइंट कर दिया, 6 साल के बाद ये हुआ है। ठीक है, अब ये हैं कौन वो देख लो, इनका नाम क्या है, इनका नाम है बदर अब्दुल्ला अल मुनैक। हिंदी में देखो बदर अब्दुल्ला अल मुनैक, ये अम्बेसडर होंगे कुवैत के जो ईरान में, मतलब ईरान में रहेंगे। तो इन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के सामने अपना डॉक्यूमेंट सौंप दिया है कि मैं आया हूँ कुवैत से। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कुवैत ने ईरान में अपना राजदूत अपॉइंट किया 6 साल के बाद, और इनका नाम क्या होगा, बदर अब्दुल्ला अल मुनैक, बदर अब्दुल्ला अल मुनैक। ठीक है, ये इनका नाम दोस्तों रहेगा। चलिए, तो ये पॉइंट दोस्तों हमारे सामने, आगे बढ़ते हैं। रिसेंट अपॉइंटेड एम्बेसडर देखिए दोस्तों, तो संजीव कुमार सिंगला की बात करें, ये भारत के एम्बेसडर अपॉइंट हुए इसराइल में, ये अच्छा पॉइंट है। नवीन श्रीवास्तव, ये इंडिया के एम्बेसडर अपॉइंट हुए नेपाल में दोस्तों, ये हमने पढ़ाया था आपको। विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव बनाया गया था, तो इनको हटा गया था यहां से। सचिन तेंदुलकर ने यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के तौर पर 20 साल अपने कंप्लीट किए हैं, ये पॉइंट है। एआर रहमान को इंडिया यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था, एम्बेसडर। ठीक है, अभय कुमार एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मेडागास्कर। शंकर प्रसाद शर्मा ये नेपाल के एम्बेसडर टू इंडिया बाय द नेपाल, ये नेपाल के एम्बेसडर भारत में। दिव्यानी खूब रगड़े ये एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कंबोडिया है। बबीता सिंह एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम ग्लोबल पीस एम्बेसडर बनी है, ये अच्छा पॉइंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, सुधाकर दलेला ये इंडिया एम्बेसडर टू भूटान बने, क्योंकि इनको रुचिका कंबोज को क्या अपॉइंट किया गया था, भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, तो उनको हटा गया भूटान से और सुधाकर दलेला को अपॉइंट किया गया, तो ये भी एक पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संदीप आर्या एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू वियतनाम, तो ये सब पॉइंट्स हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे 2 सेगमेंट बैक टू बैक कंप्लीट होते हैं। अब तीसरा सेगमेंट हमारा बैंकिंग फाइनेंस और इकोनॉमी, आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों पहले इंफॉर्मेशन, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू रन इंडिया वीजा सेंटर इन बांग्लादेश। दोस्तों इसका मतलब यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि ये काम तो नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी तक बांग्लादेश में इंडियन वीजा सेंटर चलाती है और आज भी चला रही है। तो SBI ने क्या बोला है कि हम 2 साल और चलाएंगे इंडिया वीजा सेंटर इन बांग्लादेश। पूरी इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों यहां पे, देखिए द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल मैनेज द इंडिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर इन बांग्लादेश फॉर 2 ईयर्स, 2 मोर ईयर्स। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये 2 और सालों तक बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का प्रबंधन करेंगे। अब देखो ये काम तो नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, लेकिन वही बात है ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसोर्सेज नहीं है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जानबूझकर इनको काम सौंपा है तो कर रहे हैं, है ना। तो 2 साल ये और काम करेंगे, ठीक है, वीजा के लिए। देखिए तो द फर्स्ट IVAC, तो IVAC का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर। तो पहला इंडिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर ये 2005 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खोला था, ढाका में खोला था। और राइट नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरे बांग्लादेश में 15 IVAC सेंटर चलाती है। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया वीजा एप्लीकेशन सेंटर जो है ये 2 साल और चलाएगी बांग्लादेश में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने IVAC को ओपन किया था 2005 में ढाका में। राइट नाउ 15 IVAC सेंटर है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रन करती है बांग्लादेश। ठीक है, तो एक पॉइंट हमारा ये दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई। दिनेश कुमार खारा इज द चेयरमैन, ये बताइए आपको दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, इस नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब देश हमारा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है ना, तो कर्नाटका बैंक ने भी क्या किया, लॉन्च किया है न्यू डिपॉजिट स्कीम एज पार्ट ऑफ द आजादी का अमृत महोत्सव। तो कर्नाटका बैंक ने आजादी का अमृत महोत्सव के पार्ट के रूप में एक नई डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की। ठीक है, देखिए तो वही लिखा हुआ है। तो कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलोर में है, तो इसने एक नया टर्म डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया है। टर्म का मतलब क्या होता है गाइस, तो ये एक तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है, FDM। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ द 75th ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस एज आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, और देख लेते हैं। देखिए तो द न्यू स्कीम विल बी कॉल्ड एज द KBL अमृत समृद्धि। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अमृत समृद्धि, अमृत समृद्धि नाम का
फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम किसने लॉन्च किया? आंसर विल बी कर्नाटका में। तो अमृत समृद्धि, आपके एग्जाम में ये नहीं पूछे केबीएल, ये पूछेगा अमृत समृद्धि किसने लॉन्च किया है। ये एफडी स्कीम है, किसने लॉन्च किया? कर्नाटका बैंक ने, कर्नाटका बैंक ने अमृत समृद्धि, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको 75 वीक के लिए अगर आप एफडी करते हो बैंक में, मतलब 5 दिन के लिए, तो आपको 6.10% का ब्याज मिलेगा। ये है स्कीम, आपको अपना पैसा 525 डेज के लिए जमा करना, तो आपको 6.10% का एश्योरेंस, मतलब परिणाम जस्ट मिलेगा आपको। तो एक पॉइंट हमारा ये है बस, ठीक है। तो अमृत समृद्धि लॉन्च पाई थी कर्नाटका में एज पर द आजादी का अमृत महोत्सव, और ये एफडी होगा, आपको 525 डेज के लिए, मतलब 75 वीक के लिए अपना पैसा जमा करना पड़ेगा, इसके बाद आपको 6.10% का ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कर्नाटका बैंक दोस्तों, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, अभी हमने पढ़ा, एमडी सीईओ महाबलेश्वरा एमएस, और टैगलाइन इसकी है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। ठीक है, इतने पॉइंट हमने बता दिया आपको, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की एज पर द आजादी का अमृत महोत्सव। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई किस बैंक ने उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है, उत्सव, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मामला पूरा किया दोस्तों, देखिए यहां पे, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है अ यूनिक टर्म डिपॉजिट। तो टर्म डिपॉजिट का मतलब दोस्तों या तो एफडी होता है या तो आरडी होता है, लेकिन यहां पर हम एफडी की बात कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड के लिए टर्म डिपॉजिट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है एक यूनिक टर्म डिपॉजिट, मतलब एफडी, जिसका नाम है उत्सव डिपॉजिट, उत्सव डिपॉजिट, ठीक है। अब ये उत्सव डिपॉजिट है क्या दोस्तों, देखिए सिंपल, तो दिस फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम हैज हायर इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.1% ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद अ टेन्योर ऑफ 1000 डेज। ये तो गलत बात है ना, कर्नाटका बैंक ने बेचारे ने 75 वीक के लिए निकाला, मतलब 525 डेज के लिए, तब हमको 6.1% ब्याज मिल रहा है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या बोल रही है कि आपको 1000 दिन तक डबल, मतलब लगभग आप पैसा रखोगे तो आपको 6.10% ब्याज मिलेगा। तो ये है, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, हालांकि मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़े दिन और रुक जाइए, थोड़े दिन और, मतलब अभी चल रहा है हमारा 16 अगस्त ना, अगस्त के लास्ट तक आपको बैंक वैसे भी 6.1 का ब्याज देगी देगी, क्योंकि रेपो रेट बढ़ के हो गया है कितना, 5.4%। जब भी रेपो रेट बढ़ेगा बैंकों को आपके डिपॉजिट पर ब्याज बढ़ाना पड़ेगा, और जब भी रेपो रेट कम होता है तो बैंक आपके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट हमेशा कम करती है। इस चीज को याद रखना हमेशा, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में भी ये बात अपने काम आएंगे। जब आरबीआई रेपो रेट कम करेगा तो सेविंग अकाउंट पर ब्याज, मतलब अकाउंट चाहे सेविंग हो चाहे एफडी आरडी, आपका इंटरेस्ट हमेशा कम होता है। और जब भी गवर्नमेंट, जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट बढ़ाएगी, तो आपका चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे एफडी आरडी, इंटरेस्ट बढ़ना ही बढ़ना है। तो मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट काफी बढ़ा दिया, लेकिन बैंक अभी तक इंटरेस्ट नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन बैंक को बढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है, प्रॉफिट लॉस। भाई अगर आप ज्यादा ब्याज ले रहे हो कस्टमर से लोन पर, तो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो ना, तो आपको कस्टमर ज्यादा पैसे देना पड़ेगा। अगर आप कम रेट पर लोन दे रहे हो बेटा, तो यानी आप लॉस में काम कर रहे हो थोड़ा सा, तो अपना लॉस बचाने के लिए आप क्या करते हो, आप कस्टमर कम ब्याज देते हो, सीधी बात है, ताली दो हाथ से बचती है। अगर महंगा लोन दोगे तो डिपॉजिट पर ज्यादा पैसे देना पड़ेगा तुम्हें हमेशा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला दोस्तों, तो ये जो उत्सव डिपॉजिट है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशन 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस, इस मौके पे लॉन्च किया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। आगे बढ़ते हैं गाइस, तो इतने पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको दोस्तों। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, तो हमने रिपोर्ट इंडिसेस, अपॉइंटमेंट डिजाइन और एमओयूज, ये बैंकिंग फाइनेंस कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग हमारी अबाउट द एमओयूज एंड एग्रीमेंट, और यहाँ पर हमारे पास जो पहली इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं फ्लिपकार्ट का। दोस्तों मेरी बात ध्यान सुनिएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जब भी कोई काम करते हैं तो ये हमेशा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर हम क्या बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट ने एक एग्रीमेंट साइन किया विद वाराणसी गवर्नमेंट ऑफ यूपी अंडर द समर्थ प्रोग्राम। दोस्तों अगर वाराणसी के बारे में आप जानते होंगे
वाराणसी में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज काफी फेमस है, हाथ से बने कालीन, हाथ से बने दरी और इवन बनारसी साड़ियां काफी फेमस हैं। तो फ्लिपकार्ट चाहता है कि जो वाराणसी के जो बुनकर हैं, जो कारीगर हैं, उनके जो हाथ के बने सामान हैं, जरी साड़ियां, बनारसी साड़ियां, ये सब फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर बिके। दैट्स वाई फ्लिपकार्ट ने क्या किया, वाराणसी गवर्नमेंट से एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो क्या बोला गया फ्लिपकार्ट के बारे में, फ्लिपकार्ट इसने एक एग्रीमेंट साइन किया विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाराणसी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो फ्लिपकार्ट ने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, इससे क्या होने लगा, इस देखिए से, तो इट साइन टू एम्पावर द नेशनल मार्केट एक्सेस फॉर द आर्टिशियंस वेबर्स एंड द, ठीक है, ये तो केवल भावनाओं का की बात है, मेन मुद्दा क्या देखिए। तो अंडर दिस पार्टनरशिप दोस्तों, हो सकता हो कि कॉन्टेंट मेरे पीछे छिप रहा हो, क्योंकि ये स्लाइड प्रिपेयर की गई है फॉर द बोर्ड। तो आज वॉइस पे मतलब बोर्ड में आवाज नहीं आ रही थी, आपने देखा यहाँ पे आवाज नहीं आ रही थी, है ना, तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट है शायद मेरे ख्याल से। तो शायद मेरे पीछे कंटेंट छुपेगा, हिंदी का छुपेगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, देखिएगा, तो अंडर दिस पार्टनरशिप आइकॉनिक प्रोडक्ट लाइक बनारसी साड़ी, हैंडमेड कारपेट, जरदोजी क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट एंड हैंडमेड दरी फ्रॉम यूपी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म। आपको ये सब याद नहीं करना, आप जानते हो वाराणसी में क्या मिलता है, क्या अवेलेबल है। तो वाराणसी के जो प्रोडक्ट ये सब है, इनको फ्लिपकार्ट के साइट पर लेके आना। तो ये मुद्दा है फ्लिपकार्ट का और वाराणसी का, ठीक है, एग्रीमेंट का। तो ये चीज याद रखिएगा दोस्तों, फ्लिपकार्ट एस्टैब्लिशमेंट ईयर अक्टूबर 7, हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु में है, एंड सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति इस समय है। और हम सबको बताया कि फ्लिपकार्ट किस अंडर में काम करती है, वॉलमार्ट के अंडर में। ठीक है, ये भी आपको बताइए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। रिसेंट एग्रीमेंट विद फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली में कहां का एग्रीमेंट साइन किया, देखिए जैसे गाइस, स्पाइसेस बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर में आती है, और फ्लिपकार्ट के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, स्पाइस बोर्ड और फ्लिपकार्ट के बीच में। ठीक है, और देखिए फ्लिपकार्ट एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ठीक, ये दोनों सेम इंफॉर्मेशन है, पश्चिम बंगला वाला सेम इंफॉर्मेशन है। तो फ्लिपकार्ट और वेस्ट बंगाल के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, और देखिए दोस्तों, फ्लिपकार्ट और बिहार स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो ई कॉमर्स लॉजिस्टिक के लिए मैंने पढ़ाया भी आपको। ठीक है, और आज हमने क्या पढ़ा कि फ्लिपकार्ट और वाराणसी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपको दे दी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों कल हमने आपको पढ़ाया था कि हमारे देश में NIOT, ये जो नहीं है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, इसने एक लालटेन बनाया था रोशनी, जो कि समुद्र के पानी से चलेगी। कल हमने पढ़ा था आपको, आज फिर से हम NIOT की बात कर रहे हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि ओशियन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया विद द NIOT फॉर प्रोटेक्टिंग कोस्टलाइन। दोस्तों कोस्टलाइन का मतलब क्या हुआ, समुद्री तट, यानी ओडिशा के समुद्री तट है, ऐसे तट जहां पे लोग रहते हैं उनको बचाने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप उतना तो जानते हो दोस्तों कि पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा डिजास्टर कहीं आते हैं वो ओडिशा में आते हैं। मतलब अगर आप देखें ना, अगर मान लीजिए ये भारत का टेल है ना, मतलब इस तरह भारत की संरचना है, तो ये जो अरेबियन सी है तो यहाँ पे हुरिकेन्स कम आते हैं, यहाँ पे बहुत कम। तो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे बड़े हुरिकेन्स आते हैं, यहाँ पे इक्का दुक्का पूरे साल भर में आते हैं, इधर से बहुत कुछ होता है। तो ओडिशा गवर्नमेंट चाहती है कि NIOT इन्हें कुछ गाइड करे, कुछ टेक्नोलॉजी बना के दे, जिससे इनको ओशियन से आने वाले कोई तूफान, कोई डिजास्टर, कोई हुरिकेन के बारे में पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए और जान माल की क्षति है वो कम से कम की जा सके। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने पैक्ट साइन किया विद द NIOT। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओडिशा गवर्नमेंट की, बात कर रहे हैं, इसने MOU साइन किया है विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई फॉर द प्रोटेक्टिंग इट्स कोस्ट लाइन। इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए, अंडर दिस पार्टनरशिप NIOT will provide technical guidance, design and drawing of climate resilient coastal protection measures. तो अगर सिंपल भाषा में करें तो इसका मतलब ये है कि NIOT इनको कुछ टेक्नोलॉजी बनाकर देगा, जिससे इनको पहले से मालूम चल जाए कि मतलब क्या होने वाला है, मतलब सी वेव कितनी ऊपर जा रही है, क्या शंका तूफान आने का, विंड की स्पीड क्या है। तो इन सब से कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं कि कितना बड़ा डिस्टर्ब होने वाला है। तो वही चीज इसमें है, और कुछ इसमें और नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप कह देखें दोस्तों। ठीक है, यूरिकेन से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, नाम से बनते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अबाउट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, तो ये कहाँ, चेन्नई में है, बार बार हम बात करते हैं इसके बारे में।
और जी रामदास इसके डायरेक्टर। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, गवर्नर गणेशी लाल जी हैं, और ओडिशा में दो नेशनल पार्क हैं, एक है भितरकनिका नेशनल पार्क और एक है सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। तो मैंने आपको ओडिशा के नेशनल पार्क याद करने की ट्रिक पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी कि ओडिशा, मान लीजिए ओडिशा में एक लड़की रहती है, उसका नाम कनिका है, कनिका, और कनिका बड़ी सिंपल है, कनिका बड़ी सिंपल है, भीतर से बड़ी सिंपल है, भीतर से, है ना। तो आप क्या बोलोगे, ओडिशा की कनिका भीतर से बड़ी सिंपल है, भीतर से अंदर से बड़ी सिंपल है, भीतर कनिका। तो भीतर कनिका नेशनल पार्क क्या है, सिंपल है, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, आराम से याद कर लोगे आप। ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मर्जर एक्विजिशन की। ठीक है, ऐसे बच्चे जो कि मार्केटिंग एसओ के जाते हैं, तो आपकी मार्केटिंग एसओ में मर्जर से क्वेश्चन बहुत बढ़ गए इस बार 2 साल से। अगर आप भी मार्केटिंग एसओ के फॉर्म भरेंगे तो मर्जर एक्विजिशन वाला पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका था। तो हमारे देश में एक कंपनी है दोस्तों, IIFL होम, IIFL होम फाइनेंस, IIFL होम फाइनेंस, यानी कि हमारे देश में एक NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, मतलब जो बैंक तो नहीं है लेकिन ये होम लोन बांटती है, NBFC है, होम लोन बांटने वाली। ठीक है, तो IIFL होम में मैंने पढ़ाया था कि 20% स्टेक, मतलब शेयर, ये ADI, अबू धाबी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये खरीद रही है। मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको। ठीक है देखिए दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन क्या है, देखिए तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है एक्विजिशन ऑफ ए स्टेक इन IIFL होम फाइनेंस बाय अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। ठीक, कितना दोस्तों, तो IIFL होम फाइनेंस जो है बेटा ये अपने 20% शेयर बेचेगी, और ये कौन खरीदेगा, ADI खरीदेगा, और कितना रुपया, 2200 करोड़ रुपए। तो मतलब IIFL होम फाइनेंस को मिलेंगे 2200 करोड़ रुपए। क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये 20% शेयर बेच रहे हैं अपने ADI को। ADI का मतलब क्या है दोस्तों, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया जो आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, 2200 करोड़ रुपए वाली बात है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आपको याद हो तब ना, मुझे तो याद है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। इनका भी नया अपॉइंटमेंट है, इतना भी नया नहीं है बट नया है, तो ये भी नाम याद रखिएगा, मे बी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो रिसेंटली एक्विजिशन की लिस्ट हमने हमेशा आपको दी हुई है, इसको ध्यान से PDF से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कल हमने आपको दिखाया था PDF में, अंबुजा सीमेंट और ACC लिमिटेड, अडानी ग्रुप शेयर परचेस कर रहा है इसमें, सिटी बैंक का जो रिटेल बिजनेस है वो एक्सिस बैंक खरीद रहा है, ये सब हमने पहले ही पढ़ाया आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे नेशनल अफेयर्स, और नेशनल अफेयर्स में हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी आज। पहली इन्फॉर्मेशन आपके सामने दोस्तों, ये बड़ा टफ था हमारे लिए, कल था 15 अगस्त, छुट्टी का दिन, और होता क्या बेटा कि आपको पता है कि आज न्यूज़पेपर नहीं आते हैं, है ना, तो कंटेंट मिल ही नहीं रहा था, तो बहुत यहां वहां हाथ पांव मारने के बाद इधर उधर से कंटेंट बनाया गया है बड़ी दिक्कत के साथ। ठीक है देखिए दोस्तों, तो क्या लिखा गया, इंडिया टू स्टार्ट सप्लाइंग पेट्रोल विथ 20% इथेनॉल फ्रॉम अप्रैल 2023। तो हरदीप सिंह पुरी जी ने एक इंफॉर्मेशन दी है कि हमारे देश में सेलेक्टेड पेट्रोल पंप पे अब अप्रैल 23 से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिलेगा, सिलेक्टेड, बहुत कम जगह पे। क्यों बच कर, दोस्तों सिंपल सी बात हमको पता है, पहले हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट यह था कि 2030 तक जो भी हमारे पास पेट्रोल होंगे तो उसमें हम 20% एथेनॉल ब्लेंड करेंगे, और फिर इसे कम करके 2025 कर दिया गया था, आपको बताइए मेरे ख्याल से, है ना। तो 2025 तक हमारा टारगेट पूरा होगा, तो कैसे पॉसिबल है कि पूरे देश में हम 23 तक हम पहुंचाने बैठे, तो कुछ जगहों पर ये शुरू कर दिया जाएगा, तो ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है देखिए, तो इंडिया विल स्टार्ट सप्लाइंग पेट्रोल विद 20% एथेनॉल एट सेलेक्ट पेट्रोल पंप फ्रॉम अप्रैल 23। तो अप्रैल 23 से हमारे देश में कुछ सेलेक्टेड जगहों पर पेट्रोल की सप्लाई शुरू हो जाएगी जिसमें 20% एथेनॉल मिला होगा। ठीक है, एक बात ये बोली गई है, ये इन्फॉर्मेशन हरदीप सिंह पुरी ने दी है, और क्या बोला है कि फिफ्थ ऑफ द पेट्रोल विल बी मेड अप ऑफ द एथेनॉल बाय 2025, यानी 2025 तक जो ऑयल हम यूज करेंगे उसका पांचवा हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा, तो फिफ्थ ऑफ पेट्रोल विल बी, हाँ, एथेनॉल का होगा। तो वही बात है,
हिस्से का मतलब क्या होगा, 20%। तो ये तो हमको बताइए कि 2025 हमारा टारगेट ये है कि जो पेट्रोल हम यूज कर रहे हैं उसमें 20% ब्लेंड हो एथेनॉल, ये तुमको बताइए। तो ये हरदीप सिंह पुरी जी ने रीजनिंग भाषा में बोल दिया। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, है ना, जैसे आप लोग नहीं हमारे टेलीग्राम पे लड़ते हैं कि ये क्या होगा वो क्या होगा, इनका सही है उनका सही है, हमारे ये सर पढ़ाते हैं हमारे उसे पढ़ाते हैं, वही सेम चीज है। तो हरदीप सिंह पुरी ने रीजनिंग भाषा में बोल दिया, हमने इसे कोड कर दिया सिंपल भाषा में आपको बता दिया, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों, अब देखिए इंडिया अचीव द टारगेट ऑफ सप्लाइंग पेट्रोल मिक्स विद 10% एथेनॉल, मतलब 10% एथेनॉल 90% पेट्रोल अहेड ऑफ शेड्यूल इन जून 2022। ये बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है। तो हमारी सरकार ने क्या बोला है कि 2025 तक हमारे पास पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स होगा, लेकिन उसके पहले हमारा टारगेट था हमें 10% एथेनॉल ब्लेंड करना है 2022 तक, और ये हमने पहले कर लिया। तो 10% टारगेट हम पूरा कर चुके हैं और 10 हमें और करना है, 25 तक करना है हमें, ठीक है। तो देख लीजिएगा, तो ये चीज हमने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इंडिया इज द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द एथेनॉल आफ्टर द यूएस, ब्राजील, ईयू एंड द चाइना। तो भारत पूरे दुनिया का पांचवें नंबर का सबसे बड़ा एथेनॉल प्रोड्यूसर है। पहले पे यूएस है, नंबर टू पे ब्राजील है, नंबर थ्री पे ईयू है, नंबर फोर चाइना है, नंबर फाइव इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने आपको समझा दिया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब एथेनॉल प्लांट की बात करते हैं। कुछ दिन पहले की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट किया था देश को सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट एट द पानीपत हरियाणा, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट एट पानीपत हरियाणा, जिसकी कॉस्ट आई थी 900 करोड़ रुपए और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसे बनाया था। और ये भारत का दूसरा दूसरा प्लांट था, क्योंकि इंडिया का पहला एथेनॉल प्लांट जो है ये पुरनिया बिहार में बनाया गया था, नीतीश कुमार जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, हमने आपको पढ़ाया भी था ये चीज, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें बुरे टाइम पर काम देती है। मैंने क्या बोला कि कल इन्फॉर्मेशन थी नहीं भाई, ना किसी साइट पर थी ना किसी न्यूज चैनल पर थी, बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी। तो हमने भी दिमाग लगाया कि भाई जो इन्फॉर्मेशन अगर हमने पढ़ाया नहीं है यहाँ से उठाओ और पढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है। देखिए तो इंडिया एड्स 11 मोर वेटलैंड्स टू इट्स लिस्ट ऑफ द रैमसर साइट। तो भारत ने 11 जगहों को और जोड़ लिया रैमसर साइट में, 11 यानी भारत में अब टोटल रैमसर कितने हो गए हैं वो देख लीजिए हमने, ठीक। तो इंडिया हैज एडेड 11 मोर वेटलैंड और टू द लिस्ट ऑफ द रैमसर साइट, और अब भारत में टोटल जो है 75 साइट्स हो गए हैं रैमसर के। रैमसर के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत बार इंफॉर्मेशन दे चुका हूं कि रैमसर एक शहर है ईरान में। तो डे बाय डे पूरे दुनिया में क्या हो रहा है दोस्तों कि जो हमारे वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड का मतलब क्या हुआ, आर्द्र भूमि, मतलब जैसे जो कहीं पर झील है तालाब है ये सब ह्यूमन इंटरवेंशन से सूख रहे थे, बर्बाद हो रहे थे। तो इनको बचाने के लिए रैमसर कन्वेंशन हुआ 1971 में, एक नियम बना, और 1976 में ये नियम आ गया, फोर्स में आ गया। तो जब भी किसी गवर्नमेंट को, देश को अपने किसी वेटलैंड को बचाना होता है तो वो उसको रैमसर साइट घोषित कर देती है, और अब उस जगह पूरा कंजर्वेशन गवर्नमेंट के हाथ में आता है पूरा, है ना। तो ये चीज है 75 हो चुके हैं दोस्तों। देखिए तो ऑफ द 11 न्यू साइट्स, 4 जो है वो तमिलनाडु से, 3 जो है वो उड़ीसा से है, 2 जम्मू कश्मीर से है, और 1 ईच इन द मध्य प्रदेश एंड द महाराष्ट्र। 4 तमिलनाडु, 3 ओडिशा, 2 जम्मू कश्मीर, 1 मध्य प्रदेश और 1 महाराष्ट्र, 11 इस तरह से सिलेक्ट किए गए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों तो अब ऐसा हो गया है कि पहले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रैमसर साइट थे, और अब क्या हो गया है तमिलनाडु में हमारे देश में सबसे ज्यादा रैमसर साइट है 14, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 10। यानी कि देख लीजिए तो पूरे भारत में इस समय 75 वेटलैंड ये रैमसर साइट है, जिसमें अकेले तमिलनाडु से 14 साइट है, और नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ये 10 साइट्स यहां पे हैं, ठीक है। तो ये भी इंफॉर्मेशन रखिए, ये थोड़ी स्टैटिक इंफॉर्मेशन हो गई, बढ़िया है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये नेम ऑफ द 11 रैमसर साइट आपके एग्जाम में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये रैमसर साइट याद करने का। आप भले अभी खुश हो यहां पे खूब हंस रहे हो, लेकिन एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, आप सीधे क्वेश्चन पूछेगा ये रैमसर साइट कहां किस रेट में। अब तमिलनाडु में इतने ढेर सारे बनाए गए, ओडिशा बनाया गया, कैसे याद रखोगे आप। तो ये सब नाम आपके सामने हैं भैया, मैंने दे दिए हैं। तो 4 कहां से थे, तमिलनाडु से थे, उनके नाम यहां हैं, देखिए
तीन ओडिशा से थे, हीराकुंड रिजर्वियर, तंपारा लेक, अनुशुपा लेक, ये तीन ओडिशा से आ गए। जम्मू कश्मीर से दो थे आपके, और मध्य प्रदेश से एक था आपका, और महाराष्ट्र से एक था आपका। ठीक है, अब थाने क्रिक तो महाराष्ट्र का ही है, नाम से मालूम चल रहा है आपका। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, आप अच्छे बच्चे हैं, याद कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। बोला बात है कि विश्वास ना टूट जाता है हमेशा, लेकिन विश्वास तो है कम से कम। चलिए, अब देखो ये क्या है, रिसेंट अलर्ट, तो आपको रिविजन करना है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन दी हमने आपको पूरी। ठीक है, हमने अपने साइड से अपने पूरे काम किए, ठीक है, पूरा होमवर्क हम करके आए हैं, और आपको बस होमवर्क करना है पूरा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज नंबर टू की, और बात करेंगे रेलवे की। रेलवे की इंफॉर्मेशन एग्जाम पूछी जाती है, फॉर एग्जाम्पल, तो भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा टू इंप्रूव द पैसेंजर सेफ्टी। तो भारतीय रेलवे ने रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को लॉन्च किया। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया दोस्तों, पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर देखिए, टू इंप्रूव द सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स द इंडियन रेलवे अलॉन्ग विद द आरपीएफ हैव लॉन्च अ पैन इंडिया ऑपरेशन नोन एज द ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। यानी भारतीय रेलवे ने रेलवे पुलिस फोर्स से मिलकर, रेलवे सुरक्षा बल से मिलकर एक इनिशिएटिव शुरू किया, क्या नाम है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा पूरे भारत में, ताकि पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए। अच्छा क्या बोला गया, अंडर दिस इनिशिएटिव सेवरल स्टेप आर टेकन टू प्रोवाइड द राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी टू पैसेंजर। इस पहल के तहत यात्रियों की 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए। अब कदम क्या उठाए गए हैं दोस्तों, सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगी पूरे ट्रेन में, हर ट्रेन में, हर कोच में होगी, चाहे वो एसी फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, या फिर स्लीपर जनरल, पहली बात। दूसरी बात, ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जाएगा, मतलब ऐसी जगह है हमारे भारत में जहां पर रेलवे चोरी हुई हो जाती है। तीसरा पॉइंट, हर ट्रेन में आरपीएफ की अपॉइंटमेंट होगा, आरपीएफ रिस्पॉन्सिबल होंगे उस ट्रेन के लिए। मैं बहुत सारे पॉइंट लिए गए हैं इसमें, तो ये मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा था, तो ऐसे कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, ये सही है, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। मतलब अभी जब मैं ट्रेन से आता हूँ, दिल्ली आता हूँ, जब भी आता हूँ या जाता हूँ मिर्जापुर, तो ये तो है कि आरपीएफ वाले कॉन्टिन्यूस मतलब घूमते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस घूमते रहते हैं, अच्छी बात है। वरना अगर आप हमारे साइड की बात करेंगे, मिर्जापुर की बात करेंगे, तो हमारे स्पेशलिटी है, इलाहाबाद प्रयागराज जंक्शन पड़ता है, फिर पड़ता है मिर्जापुर, प्रयागराज से मिर्जापुर पड़ता है 90 किलोमीटर। अगर ट्रेन ठीक ठाक चले तो हम लोग अपने घर पहुंच जाते हैं 1 घंटे पहुंच जाते हैं, 1 घंटे या 1.5 घंटे मैक्सिमम। लेकिन इलाहाबाद से मिर्जापुर के बीच में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो उतरती है अपने घर पर, तो लोगों ने ट्रेन को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दी है, जहां मन करता है, जैसे घर दिख गया ना उनका, तो वहीं चेन खींच देते हैं वो, ये चेन खींच देंगे या जो प्रेशर वाला वॉल्व खोल देंगे। और बड़े टेक्निक, मतलब भले गांव के लोग हैं लेकिन टेक्निकल है पूरा, उनको पता है ट्रेन कैसे रुकी जाती है, मतलब कदम कदम पे ट्रेन रुकती है। मतलब मेरा घर वो है, तो वहां पे ट्रेन रुक गई। मुझे याद है एक बार मैं अभी दिल्ली जा रहा था, तो एक लड़का बोल रहा है अपने पापा से कि पापा मेरा जूता छूट गया, वो ट्रेन की, वो अपनी भाषा बोल रहा था कि खींच दे वो जाके जूता लिया करते, इतना ज्यादा दिक्कत थी हमारे मतलब साइड में। तो जो रास्ता पड़ता है आपका 1 घंटे का, वो हम लोग 3 से 4 घंटे में कवर देते, लेकिन जब से आरपीएफ चलने लगी है तो ये सब खत्म हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने दिखा दिया आरपीएफ के बारे में, तो आरपीएफ के डीजी कौन है, संजय चंद्र जी हैं, और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे नेशनल न्यूज में, न्यूज नंबर 4 की बात करेंगे। जब भी कोई स्टैचू का अनावरण होता है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, याद रखेगा। और यहां पर हम बात करेंगे राजनाथ सिंह जी की, तो डिफेंस मिनिस्टर अनविल स्टैचू ऑफ रेनाउट मारवाड़ी वॉरियर वीर दुर्गादास राठौर इन जोधपुर। तो रक्षा मंत्री जी ने जोधपुर में प्रसिद्ध मारवाड़ी योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। जोधपुर की हम बात कर रहे हैं, तो जोधपुर में मारवाड़ी योद्धा थे वीर दुर्गादास जी, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों। राजनाथ सिंह जी की बात कर रहे हैं, इन्होंने अनावरण किया द स्टैचू ऑफ द वीर दुर्गादास राठौर जी, अ राजपूत जनरल ऑफ द किंगडम ऑफ द मारवाड़, ऑन हिज 385th एनिवर्सरी एट द सलवा कला विलेज इन द जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। पूरी ध्यान से पढ़िएगा, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जोधपुर जिले के सलवा कला गांव में मारवाड़ साम्राज्य के राजपूत सेनापति वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं वर्षगांठ पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है दोस्तों, यानी पहली बात तो नाम देखिए, वीर दुर्गादास जी, ठीक है, ये मारवाड़ साम्राज्य के सेनापति थे, इनकी 385th बर्थ एनिवर्सरी पर
ये प्रतिमा का अनावरण किया गया जोधपुर में, जोधपुर में एक गांव है सलवा कला गांव, वहां पर, ठीक है, याद रखिएगा। आप देखिए, दिस स्टैचू ऑफ वीर दुर्गादास जी राइडिंग ऑन ए हॉर्स इज 12 feet हाई, मतलब 12 फीट ऊंची प्रतिमा है ये, एंड मेड ऑफ द अष्ट धातु वेटिंग अराउंड द 1400 kg। तो 12 फीट ऊंचाई की प्रतिमा है, 1400 kg का वेट है, और ये प्रतिमा बनी है अष्ट धातु से, मतलब 8 धातुओं से मिलकर बनाया गया इसे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे सामने दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। चलिए, तो नेशनल अफेयर्स के पॉइंट हमेशा एग्जाम के लिए होते हैं इंपॉर्टेंट। हम आगे बढ़ेंगे गाइस और बात करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज की, और स्पोर्ट्स में हमारे पास आज की पहली इंफॉर्मेशन, ठीक है, देखिए यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप स्टार्ट एट NIM इन उत्तरकाशी उत्तराखंड। तो नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ना, चैंपियनशिप दोस्तों, देखिए पूरी इंफॉर्मेशन, तो 26 एडिशन भूलिएगा मत, नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप ये स्टार्ट हुई है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ द माउंटेनियरिंग इन द उत्तरकाशी उत्तराखंड। तो 26वीं राष्ट्रीय खेल चढ़ाई चैंपियनशिप ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में शुरू की गई है। 26 एडिशन नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि उत्तरकाशी उत्तराखंड में वहां पर शुरू किया गया, ये शुरू किया गया, कौन जीता कौन हारा मालूम नहीं अभी, तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफी हमारे लिए। आगे बढ़ते गाइस, अब बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, तो अवार्ड एंड ऑनर में हमारे पास आज की पहली इंफॉर्मेशन, ठीक, देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अप्रूव प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति तटरक्षक पदक को मंजूरी दी। दोस्तों पूरी ध्यान से पढ़ना, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैज अप्रूव द प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल। देखो तो प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल ये अलग होता है और तटरक्षक मेडल अलग होता है, तो दो मेडल होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल और एक होता है केवल तटरक्षक मेडल, ठीक है। तो इस बार का प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल और तटरक्षक मेडल ये दोनों मिला इंडियन कोस्ट गार्ड को मिला, ठीक है। तटरक्षक मेडल की बात कर रहे हैं जो तट की रक्षा करते हैं, जो कोस्ट लाइन की रक्षा करते हैं, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, इंडियन नेवी को भी जा सकता था ना, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, ठीक है, दोनों अवार्ड पीटीएमबी टीएमबी, ठीक है। देखिए तो दे वेयर अवार्डेड फॉर देयर एक्ट ऑफ द, ठीक है, मतलब इनको इनके असाधारण समर्पण के लिए ये सब मिला, ठीक है, वो तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही, देखिए तो पीटीएम वॉज कन्फर्ड ऑन द आईजी दिनेश राजपुत्रन एंड कमांडेंट कुणाल चंद्रकांत नाइक को मिला। यानी गाइस पीटीएम प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल ये दो लोग को मिला, कौन कौन, दिनेश राजपुत्रन को मिला और कुणाल चंद्रकांत नाइक को मिला, दो लोग को मिला, ठीक। और वहीं दोस्तों अगर हम केवल बात करेंगे तटरक्षक मेडल की, मैंने क्या बोला, दो अवार्ड होते हैं, एक होता है पीटीएम और एक होता है केवल टीएम होता है, ठीक है। तो ये किसे मिला, तो श्री प्रशांत कुमार शर्मा जी को मिला, श्री पंकज वर्मा जी को मिला और श्री प्रकाश जी को मिला, तीन लोगों को मिला। तो टीएम मिला तीन लोग को, पीटीएम मिला दो लोग को, आपको याद रखना पड़ेगा, आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 15 अगस्त था तो ये सब अवार्ड के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए तो हमारे देश में 1082 पुलिस पर्सोनल, इसका मतलब होता है एम्प्लॉय, अवार्डेड पुलिस मेडल इन 2022, ठीक है। तो हमारे देश में पुलिस मेडल की हम बात कर रहे हैं, तो 1082 पुलिस एम्प्लॉय को मिला अवार्ड, तो टोटल अवार्ड 1082 पुलिस मेडल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टोटल अवार्ड 1082। देखिए दोस्तों टोटल ऑफ 1082 पुलिस पर्सनल मतलब एम्प्लॉय हैव बीन अवार्डेड पुलिस मेडल ऑन द ओकेजन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पे हमारे देश में टोटल पुलिस मेडल बांटे गए 1082, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 347 पर्सनल हैव बीन अवार्डेड फॉर गैलेंट्री व्हाइल 87 हैव बीन अवार्डेड फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज। तो 347 कर्मियों को वीरता के लिए जबकि 87 को विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में दिखाता हूं आपको, ठीक है। देखिए यहां से तो सीआरपीएफ की चारू सिन्हा, इनको अकेले 40 गैलेंट्री मेडल्स मिले, मतलब पुलिस मेडल मिले, हाईएस्ट इन द कंट्री अमंग ऑल द फोर्सेस। तो सीआरपीएफ की चारू सिन्हा को अकेले 40 पुलिस मेडल मिले इस बार अकेले, तो मतलब किसी इंडिविजुअल के द्वारा सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं चारू सिन्हा को, 40 मिले
ये सीआरपीएफ से बिलोंग करती है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, मैक्सिमम मेडल किसे मिले? सीआरपीएफ को मिले। नंबर टू पे जेएनके पुलिस। भाई जो ये 1082 मेडल है इसमें हम बात करेंगे, अगर आप इंडिविजुअल की बात करेंगे चारों सिंह सीआरपीएफ, इनको के लिए 40 मेडल मिले। और अगर आप सारे डिफेंस फोर्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पुलिस मेडल मिले सीआरपीएफ के जवानों को, उसके बाद मिले जेएनके पुलिस को। मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूं, देखिए यहां पे दोस्तों, देखिए तो 109 आर फ्रॉम द सीआरपीएफ, इनको मिले। 108 मिले जेएनके पुलिस को मिले। 19 मिले हैं बीएसएफ को। 42 मिले हैं महाराष्ट्र को। 15 मिले हैं छत्तीसगढ़ को। और 6 ईच मिले हैं एसएसबी को और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स को। तो ये तो हम बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द पुलिस फोर्सेस। अब चारों सिंह की बात, उन्हें 40 मेडल्स मिले हैं इस तरह से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो मेडल मिले हैं वो मिले हैं सीआरपीएफ को, देन जम्मू एंड कश्मीर को, देन बीएसएफ को। तो ऐसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक में अगर हम बात करें गाइस, तो देखिए इंफॉर्मेशन, तो भारत बायोटेक कंप्लीट ट्रायल फॉर इंडिया फर्स्ट इंट्रानेशनल वैक्सीन। तो भारत बायोटेक ने भारत के पहले इंट्रानेशनल वैक्सीन का परीक्षण पूरा कर लिया है, इंट्रानेशनल वैक्सीन। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो भारत बायोटेक हैज कंप्लीटेड क्लिनिकल डेवलपमेंट फॉर फेज 3 ट्रायल एंड बूस्टर डोज फॉर द BBV154 इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन। मतलब जैसे अगर कोविड की आप बात करते हैं तो इसका इंफेक्शन क्या होता है, इसके इंफेक्शन में मौत कैसे होती है, सांस न लेने की वजह से लोगों के गले और नाक जाम हो जाते हैं। नेसल का मतलब नाक से हो रहा है, मतलब ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली यहाँ मतलब इस तरह काम करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, भारत बायोटेक ने कंप्लीट कर लिया क्लिनिकल डेवलपमेंट फॉर फेज 3 ट्रायल एंड बूस्टर डोज फॉर, ये नाम याद रखना पड़ेगा, BBV154 इंट्रानेशनल कोविड वैक्सीन। ठीक है, तो आप बस नाम याद रखिए इसका और भारत बायोटेक याद रखिए बस इसका। ठीक है, और देखिए द इंडियनो वायरल इंट्रानेशनल वैक्सीन, ये जो है मतलब इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कोविड 19 वैक्सीन टू अंडर गो ह्यूमन ट्रायल्स इन इंडिया। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या, जो ये BBV154 वैक्सीन है ये पहली वैक्सीन होगी कोविड 19 की जो कि ह्यूमन ट्रायल के लिए जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये इंट्रानेशनल वैक्सीन है एक तरह की। ठीक है, तो बस आपको ध्यान देना है कि भारत बायोटेक एक कंपनी है भारत की, जिसने भारत की पहली इंट्रानेशनल वैक्सीन डेवलप की अभी ये ट्रायल में ही है। इसका नाम क्या है, BBV154, और अभी ह्यूमन ट्रायल के लिए जाएगी, तो ये बस नाम याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो WHO अनाउंसेस न्यू नेम्स फॉर द मंकी पॉक्स वायरस। तो जिस तरह से कोविड 19 के बहुत सारे हमें नहीं मिले थे वेरियंट मिल रहे थे, वैसे मंकी पॉक्स के भी वेरियंट मिलना शुरू हुए हैं। तो WHO ने मंकी पॉक्स वेरियंट के नाम रख दिए हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए तो WHO ने अनाउंसमेंट किया है कि न्यू नेम ऑफ फॉर वेरियंट ऑफ द मंकी पॉक्स वायरस। तो मंकी पॉक्स के जो नए वेरियंट मिले हैं उनके नाम की हम बात करेंगे। तो अभी तक तीन तरह के वेरिएंट मिले हैं, तीन तरह के। देखिए तो WHO ने इनके नाम क्या रखे हैं, एक का नाम है क्लेड्स 1, एक का क्लेड्स 2A और एक का क्लेड्स 2B। तो 1 2A 2B, 1 2A 2B, नाम क्लेड्स याद रखें, क्लेड्स, क्लेड्स 1, क्लेड्स 2A एंड क्लेड्स 2B, ये नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, क्लेड्स 1, क्लेड्स 1A एंड क्लेड्स, सॉरी क्लेड्स 1, क्लेड्स 2A एंड क्लेड्स 2B, ये नाम है इसके। ठीक है, तो ये बोला गया बस। तो आपकी कोविड ये मंकी पॉक्स के वेरिएंट के तीन नाम आपको यहां दिखा दिए गए, देख लीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं WHO। WHO एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1948, हेडक्वार्टर जिनेवा, टोटल मेंबर कंट्री 194, टेड्रोस एधनम इथोपिया से बिलोंग करते हैं, डीजी हैं, एंड डिप्टी डीजी कौन है, भारत की सौम्या स्वामीनाथन जी यहां पे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अब दोस्तों हम समिट एंड कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। ठीक, तो समिट कॉन्फ्रेंस में यहां पर हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स इनॉग्रेटेड, यानी जो ग्रामीण सहकारी बैंक होते हैं उनका राष्ट्रीय सम्मेलन हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं पूरी बारे में। देखिए तो यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी की बात करें, क्योंकि अमित शाह जी हमारे देश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, तो इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक की बात भी होगी तो इनके अंडर में बात होगी, है ना। तो इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक इन न्यू दिल्ली, यानी रूरल कोऑपरेटिव बैंक का नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ, दिल्ली में हुआ, इसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किया। क्यों किया अमित शाह जी ने, बिकॉज अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं देश में हमारे। ठीक है, और देखिए
अब जो ये इवेंट था, मतलब ये रूरल कोऑपरेटिव बैंक का जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस था, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एंड नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नेशनल फेडरेशन ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. नेशनल फेडरेशन ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इन लोगों ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया था. ठीक है, और देखते हैं, इतना ही है. देखिए, यानी मतलब दोस्तों हम क्या बात कर रहे हैं, तो रूरल ग्रामीण मतलब रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो है, इनका नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ. अमित शाह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया और ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन एज वेल एज द, क्या बोला गया था, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो फेडरेशन है, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, नेशनल फेडरेशन ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, नेशनल फेडरेशन ऑफ द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. अब ऐसे बच्चे जो कि मुझसे बैंकिंग अवेयरनेस पढ़े, वो तुरंत इस बात को कैसे कर लेंगे कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्या है. तो मैंने आपको पढ़ाया है कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक का तीन स्ट्रक्चर होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड देन प्राइमरी सोसाइटीज. मेरे ख्याल से आपको ये चीजें याद आ रही होंगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस. अब बात करेंगे ऑबिचुरीज की, मृत्यु की बात करेंगे. ठीक है, तो पुलित्जर प्राइज विनिंग ऑथर मिस्टर डेविड मैकुला पास्ड अवे. ठीक है, तो डेविड मैकुला की बात कर रहे हैं, इनकी एज थी 89 जिनकी मृत्यु हुई. ये ऑथर थे, इनको पुलित्जर प्राइज दो बार मिला था, एक बार मिला था 1993 में और एक बार मिला था 2002 में. डेविड मैकुला की बात कर रहे हैं, 89 एज में इनकी मृत्यु हुई, ये ऑथर थे ये, और दो बार इनको मिला था पुलित्जर प्राइज, एक बार 1993 में और एक 2002 में. दोस्तों आगे बढ़ते हैं, डेज की बात करते हैं. डेज में पहली इंफॉर्मेशन, तो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त. ठीक है दोस्तों, आपको बताइए 2021 में इसका पहला एडिशन था, यानी 22 मतलब दूसरा एडिशन इस बार है ना. देखिए तो 14 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, क्योंकि पार्टीशन के बाद जो पूरे देशव्यापी दंगे हुए थे पाकिस्तान और इंडिया में, और ऐसे मासूम लोग जो बेगुनाह थे और जो मारे गए थे, काफी बड़ा एक बड़ी घटना, एक मतलब ह्यूमन जीनोसाइड हुआ था, बहुत बड़ा पता ही आपको है ना. तो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, कि पार्टीशन से क्या दिक्कतें होती हैं उसको आप याद रखिए, पहले डरिए उससे आप. ठीक है, तो 14 अगस्त को ये मनाते हैं पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे. पहली बार 2021 में से शुरू किया गया था, यानी इस बार 22 में दूसरा एडिशन है दोस्तों, तो ये आपको याद ही है. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड संस्कृत डे, ये 12 अगस्त को हम मनाते हैं. ठीक है, देखिए तो 12 अगस्त को हम वर्ल्ड संस्कृत डे मनाते हैं, पहली बार 1969 में शुरू किया गया था वर्ल्ड संस्कृत डे. ठीक है, आगे बढ़िए, स्टेट की बात करते हैं गाइस. देखिए तो विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम कम इनटू फोर्स इन द जम्मू एंड कश्मीर. दोस्तों तो जम्मू एंड कश्मीर में एक स्कीम शुरू हुई है, विलेज डिफेंस गार्ड, यानी ऐसे लोग जो कि जम्मू कश्मीर गांव से बिलोंग करते हैं और जो चाहते हैं वॉलंटरी बेसिस पर कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, तो सेना उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी, उन्हें राइफल देगी. ठीक है, देखिए दोस्तों तो विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम, विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम 2022, ये जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया दोस्तों 15 अगस्त के मौके पर. विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम ये 15 अगस्त को शुरू किया गया जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक, अर्लियर दिस स्कीम वॉज नोन एज द विलेज डिफेंस कमेटी. तो पहले इसका नाम क्या था, विलेज डिफेंस कमेटी, अब नाम क्या है, विलेज डिफेंस गार्ड. ठीक, तो पहले क्या नाम था इसका, विलेज डिफेंस कमेटी, इन विच वॉलंटियर्स फ्रॉम विलेज वे आर ट्रेन्ड बाय इंडियन आर्मी एंड द पुलिस. यानी सिंपल सी बात है, मतलब अगर आप गांव में रहते हो, आपको लगता है कि आपके जो गांव के लोग हैं, आपको अपने गांव में रक्षा करनी है टेरेस से, तो आपको सेना आपकी हेल्प करेगी, आपको ट्रेन करेगी. ठीक है, तो अंडर दिस स्कीम राइफल्स वे आर प्रोवाइडेड टू दिस गार्ड्स एंड दे प्रोटेक्टेड देयर विलेज फ्रॉम द टेररिस्ट अटैक एंड द टेरर एक्टिविटी. ठीक है, तो बस दोस्तों आपको ध्यान क्या देना कि भारत में विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम कहां लॉन्च किया गया और स्कीम में क्या होता है, वक्त मालूम चल चुका है. ठीक है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर, कैपिटल श्रीनगर इन समर एंड जम्मू इन विंटर, एलटी कौन है, मनोज सिन्हा जी हैं, और जम्मू कश्मीर तीन नेशनल पार्क हैं, द चिंगम नेशनल पार्क, किश्तवर नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क. सलीम अली याद रखिएगा, ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क. ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों. आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ेंगे आगे. तो इतनी इन्फॉर्मेशन दोस्तों थी हमारे पास, और ये मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों. अनअकैडमी पे इस समय एडमिशन पे आपको हम नोट्स दे रहे हैं, अगर आप प्लस एडमिशन लेंगे तो आपके ऐप पे नोट्स मिलेगी, अगर आप आइकॉनिक लेंगे तो आपको हार्ड कॉपी भी घर पे दी जाएगी आपकी. ठीक है, तो याद रखिएगा, आइकॉनिक प्राइस वैसे भी 10 अगस्त से हाई हो चुका है, तो एडमिशन लेना शुरू करिए, कई सारे बैच आ रहे हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन दोस्तों. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नाबार्ड की और आरबीआई ग्रेड बी की,
तो नाबार्ड और आरबीआई ग्रेड बी के लिए मेरा करंट अफेयर्स का बैच शुरू हुआ है और इसकी टाइमिंग 1 PM पे है। कल हमने पढ़ा था बजट, कल हमने पढ़ा था इसमें बजट, और आज बेयर को हम कंप्लीट करेंगे, फिर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हम पढ़ेंगे। तो ये जो हाई लेवल करंट अफेयर्स होते हैं वो वहां पर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों दोस्तों। अच्छा, फीस की बात कर लें तो प्लस की फीस इतनी समय, अगर आप बैंक एग्जाम ज्वाइन करते हो तो प्लस की फीस है 24 महीने की 375 रुपीज, ठीक, और 12 मंथ की 625 रुपीज। हमारा कोड है AVP10 और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। आइकॉनिक की बात कर लें तो 24 मंथ की फीस पड़ती है 575 रुपीज पर मंथ और 12 मंथ की 967 रुपीज पर। हमारा कोड यूज करिए 10% डिस्काउंट के लिए, ठीक है? All set, let's crack it. अब इसके MCQs के लिए मिलेंगे Unacademy Special पे रात 10:10 PM पे। Thank you so much, अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, आपका दिन मंगलमय हो। Thank you so much दोस्तों।